हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी एंड बहुत ही मजेदार रहेगी एंड साथ में हेल्पफुल भी बहुत रहने वाली है, ठीक है। एंड इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए आप लोगों को, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल बताए हैं। लेकिन आज कुछ अलग वीडियो रहेगा, मीन्स जो टॉपिक बताए हैं उनके ऊपर फर्दर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स में, पिछले 10 सालों में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं वो आपको इस वीडियो में पता लगेंगे एंड चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 10-15 मिनट का वीडियो है तो देख लीजिएगा। एंड साथ में जो पीडीएफ होगा इस वीडियो का, जो क्वेश्चन के टाइप्स यहाँ पर बता रखे कि किस तरह के टाइप आते हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड काफी हेल्प होगी आपकी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तो मैं यही बोलूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिन पे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है वो वाले, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जितने भी टाइप्स यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है एंड बार बार पूछी गई है, सब चीजों को देख कर आपके लिए सिलेक्ट करी गई है, ठीक है। देखिए अगर चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें, चैप्टर फर्स्ट की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें कूलम्स लॉ पर किस तरह का क्वेश्चन बनता है, डेरिवेशन, ठीक है, वो तो पक्का ही है, डेरिवेशन नहीं आएगी तो फोर्स भी आ जाएगा कि आप न्यूमेरिकल आ जाएगा कि फोर्स निकालो, ठीक है। एंड इसके अंदर किस तरह का टॉपिक पूछा जा सकता है, किस तरह का पॉइंट पूछा जाता है, नेचर ऑफ फोर्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नेचर ऑफ फोर्स पूछा जाता है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पर डेरिवेशन तो देखो इनकी इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल ऑलवेज ऑन शॉर्ट डाइपोल कंडीशन, जो हम शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन पढ़ते हैं उन पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन तीनों ही टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो न्यूमेरिकल जरूर बनेगा एंड बना हुआ है, पिछले 10 सालों का हिसाब किताब पूरा लेखा जोखा तैयार किया है तब जाके ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर किस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, फ्लक्स एनक्लोज, चाहे वो आपको क्यूब में रख के दे चाहे वो आपको स्फेयर में रख के दे, वो आपसे फ्लक्स एनक्लोज का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये बता भी रखा है कि टोटल फ्लक्स भी पूछ सकता है, किसके लिए, स्फेयर के लिए या फिर स्क्वेयर के लिए या क्यूब के लिए, एंड आपका जो फ्लक्स है आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंटरसेक्शन पूछा जाएगा कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, एंड डायरेक्शन ऑफ ई पूछी जा सकती है आपसे एंड डो नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में, ठीक है। एंड देखो मैं ये बात बोलता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को बताने का मतलब ये नहीं होता कि वो टीचर आपकी सिर्फ भविष्यवाणी कर रहा है कि वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से करना एंड इनको छोड़ के नहीं जाइए, बस बाकी तो सब चीजें करिए आप, जितनी चीजें आपको आती है करिए, बढ़िया रहेगा। चलिए तो टॉर्क पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह का पूछा जा सकता है, मैक्सिमम टॉर्क कैसे होती है, कब लगती है, मिनिमम टॉर्क कब लगती है, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की अगर हम बात करें तो स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, तो इस पर इस तरह के PYQ मत छोड़ के जाइए, उनको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस पर बहुत बार क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं तो वर्क डन बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। मैं इसे बता भी रखा है VA-VB या VB-VA आना है यहाँ पर VA आना है, ठीक है, कि ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरह की चीजें आपको पूछी जाएंगी। इक्विपोटेंशियल पर डेफिनेशन तो देखो कर लो, एंड आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, शेप से रिलेटेड पूछा जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज दिया, नेगेटिव दिया या डाइपोल दिया या एक अनचार्ज दे दिया प्लेट एंड साथ में एक पॉइंट चार्ज दे दिया, तो उसके लिए शेप बनाने आपको आने चाहिए, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए जिसमें से वर्क डन जीरो कैसे होता है वो पूछा जाता है, एंड वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आपसे पूछे गए हैं पिछले 10 सालों के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है। एंड ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये वो है कि जो टॉपिक बनते हैं उन पर क्वेश्चन कैसा आता है, आ सकता है, प्रीवियस 10 ईयर के हिसाब से बताया जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी पे आपका न्यूमेरिकल जरूर आता है टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, एंड कैपेसिटर पे डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, डेरिवेशन आनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन सी आना चाहिए, मतलब कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इसी तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसमें भी आपका जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन ये आनी चाहिए एंड इसकी फर्दर रिलेशन दूसरों के साथ वो भी आपको ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस को तो रट लो, ठीक है, इस क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल पर, इस एक्सप्रेशन पर न्यूमेरिकल जरूर आता है एंड ग्राफ बेस्ड आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। ग्राफ बेस्ड बहुत बार आया है, मतलब 10 साल में ये लगा लो, पिछले छह सात बार, मतलब 6-7 साल से ये जरूर टॉपिक आ रहा है। केसीएल, व्हीटस्टोन, स्लाइड वार, इन सब पे न्यूमेरिकल आपको किसी ना किसी एक पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड स्लाइड वार में एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, वाई कॉपर वायर इज स्ट्रिप इज थिक, एरर क्या होते हैं इसके अंदर, एंड बैलेंस पॉइंट एंड मिडल ही क्यों हम चेक करते हैं, इस तरह के। एंड पोटेंशियोमीटर तो अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपसे रेडियस, टाइम पीरियड या शेप, इन पे एक पे क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको पेपर में। मतलब रेडियस पूछेगा या तो वो, या वो आपसे टाइम पीरियड पूछ लेगा, या आपसे वो जो पाथ है, जो मतलब सर्कल होता है, हेलिकल होता है, हेलिक्स फॉर्म में होता है, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, एंड इसके अंदर डेरिवेशन तो आपको करना ही करना है, बट इसका सेंटर के ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो जरूर कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल मोस्टली सेंटर वाला पूछा जाता है आपको। किससे पूछा जाता है? सेंटर वाला। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द साइड ऑफ लूप, इस तरह का न्यूमेरिकल जरूर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी तरह से फोर्स बिटवीन जो टॉपिक है आपका, उसके ऊपर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल किस तरह का मिलेगा? इस तरह का, कि एक कंडक्टर में से करंट दे रखा होगा एंड आपको लूप के ऊपर नेट फोर्स पूछ रखी होगी, ठीक है। टॉर्क ऑन ए करंट लूप, इस पे न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की थ्योरी आ जाएगी, थ्योरी नहीं मिलेगी तो कन्वर्जन आ जाएगी, कन्वर्जन के ऊपर आपको ये टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। अगर इन पे भी नहीं मिलते हैं तो सेंसिटिविटी पक्का, कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्यों नहीं इंक्रीज होती, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एंड जो सस्पेंशन वायर हम यूज करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसी वो होनी चाहिए, ठीक है, ब्रशलेस होनी चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इस तरह की चीजें सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज होता है, ये सब। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो अर्थ मैग्नेटिज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, एंड इसको पूरा कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये। बात करें छठे चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, कि आपको डायरेक्शन निकालनी होगी, मतलब प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। वो कोई भी केस हो सकता है, वो बार मैग्नेट का केस ले सकता है, या वो इस तरह का केस ले सकता है कि कॉइल यहाँ पे रखी है, रेक्टेंगल लूप रखा है, उसको वो अंदर लेके जा रहा है इधर, या बाहर लेके जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि इसमें किस तरह का ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है। ये है आपके पास आगे, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है ये ऑल्सो फॉर कॉइल्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मोशनल ईएमएफ पे पक्का आपको जो है, अगर मोशनल ईएमएफ का टॉपिक आता है ना, तो रोटेशनल पर आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, न्यूमेरिकल ऑन रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल ईएमएफ। इसी तरह से आपके पास एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट अगर एक दो नंबर में आई तो बिल्कुल पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी टाइप्स हैं क्वेश्चन की। एंड चैप्टर वाइज देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर में जैसे एलसीआर बोला गया है, तो उस पर जेड पर क्वेश्चन आता है, इम्पीडेंस पर, मैक्सिमम करंट कौन सी कंडीशन में होता है आपका, ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या लॉस को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, कोर लेमिनेट क्यों होता है, ठीक है। एंड जो लैम्प ग्लोइंग का केस होता है, वो इस तरह की चीजें सारी आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकती हैं। चैप्टर 8th में सोर्स होना चाहिए पता आपको, कि ईएम वेव का सोर्स क्या है, प्रोडक्शन कैसे होती है, यूजेस कैसे होते हैं, ये सब, ठीक है। एंड इसी तरह से आपके पास 9th है रे ऑप्टिक्स, जिसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर आता है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का, कि कब लेंस कन्वर्ज होता है, करता है या डाइवर्ज करता है, ठीक है। एंड अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को कलर लाइट से रिप्लेस कर देते हैं तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं, इनको देखिएगा, ठीक है, इन सबको देखिए। एंड अच्छे से आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी टाइप जो है, मतलब कौन कौन से टॉपिक पे किस तरह की टाइप जो है ज्यादा बन रही है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। एंड इसी तरह से आपके पास वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ लेना, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। एंड ये डिफ्रेक्शन है, ये आपका 11th चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपका डेफिनेशन पूछी जाती है, ग्रेटर वेवलेंथ क्या हो सकती है, वर्क फंक्शन कैसा होता है ग्रेटर, कौन से केस में, मेटल के केस में, ठीक है, मतलब किस मेटल के लिए ग्रेटर फंक्शन होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको आना चाहिए, रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको आना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। एंड इसी तरह से आपके पास एटम है, इसमें सारे आपके पास न्यूमेरिकल जो होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें करना है आपको, ठीक है। इसमें एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपको निकालना आना चाहिए, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है।
एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ई के साथ इस तरह से होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी रिलेशन है एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दो तरीके हैं, एक ये है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2πRn एंड एक दूसरा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mk, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है आपके डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर। एंड इसी तरह से आपका न्यूक्लियाई है जिसमें आपका डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एंड एनर्जी रिलीज्ड न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास ये क्वेश्चन, जिसमें एनर्जी इस तरह से निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल एंड इस तरह से एक मेथड जिसमें इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का मास एक साइड एंड माइनस राइट हैंड साइड का मास एक साइड करके एंड सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन पे किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन नहीं आएगी तो रिएक्शन कंप्लीशन का न्यूमेरिकल आ जाएगा, अगर ये भी नहीं आता तो डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स पे दो चीज है, या तो प्रॉपर्टी कर लो मतलब प्रॉपर्टी आएंगी एक दो नंबर में, या फिर ग्राफ आएगा उनका, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं एंड ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि सेमीकंडक्टर में किस तरह का टॉपिक पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस सबसे ज्यादा पूछा गया है, पी टाइप एन टाइप का डिफरेंस सबसे ज्यादा पूछा गया है, पी एन जंक्शन में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया कि डिप्लीशन लेयर कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती है, पोटेंशियल बैरियर किस तरह से बनता है, फॉरवर्ड रिवर्स में जो वर्किंग होती है मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्पेशली पूछी जाती है, एंड रेक्टिफायर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। एंड स्पेशल पी एन जंक्शन में कुछ ये तीन पॉइंट है, या तो वो आपसे बोलेगा कि दो यूज लिख दो, या वो बोलेगा कि किस मोड में ये काम करता है रिवर्स में या फॉरवर्ड में, एंड या कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब थे आपके चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, हमने इनकी बात कर ली, ठीक है। एंड सभी को अच्छे से पढ़ लेना, सभी को अच्छे से पढ़ लेना एंड ट्राई करना कि ये टॉपिक मतलब एक तरह से आप मार्क कर लेना कि ये चीजें छूटे ना आपसे कि भाई हाँ ये सब टॉपिक हमने कर लिए हैं, ठीक है। चलिए तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के टॉपिक्स पर किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त एंड वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए जल्दी ही क्रैश कोर्स आ रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, ठीक है। तो कई बच्चे बोल रहे थे कि सर अब अनअकैडमी पे जा रहे हो तो YouTube पर वीडियो नहीं डाल रहे हो, अभी थोड़ा सा जो है टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए मैं लॉन्च करने वाला हूँ। सो डोंट वरी, आपकी प्रिपरेशन करवानी है एंड बहुत बढ़िया वाली करवानी है, ये बोला था, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवानी है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक।